हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और नया मोर्फ एड ऑन, जिसके अंदर तुम लोग काफ़ी सारे मोब्स के अंदर मोर्फ हो सकते हो। तो इसमें तुमको क्राफ्ट करने की रेसिपी भी मिलने वाली है। तो अगर तुम लोग सर्वाइवल में अगर मोर्फ होना चाहते हो किसी और मोब के अंदर, तो उसको भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुम सर्वाइवल में भी कर सकते हो एंड काफ़ी मस्त होने वाला है ये मोर्फ मोड। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक बस देखते रहना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा रीच मिल सकती है, बिकॉज यूट्यूब ने हमारी रीच थोड़ी कम करके रखी है। तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज, अभी आप लोग देखो तो हम लोग हो चुके हैं यहाँ पे स्पॉन। तो अगर आपको यहाँ पे इस एड ऑन की तीन तरह की चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको देखने को सबसे पहले ऊपर देखो तो आपको दिखेगा यहाँ पे इसका वाटर मार्क। तो अगर तुम इस एड ऑन को यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे एक वाटर मार्क देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप इसको जान सकते हो। एंड देन आता है इसका हाइट बटन। तो अगर आप लोग इस एड ऑन को यूज़ करते हो तो तुम्हारे बटन अपने आप हाइड हो जाने वाले। देख सकते हो तो मेरा जंप एंड चलने वाले दोनों बटन हाइड हो चुके हैं, एंड ऊपर वाला थोड़ा मैसेज वाला सेक्शन भी हाइड हो चुका अपने आप ही। बाकी इसमें आपको देखने को मिलेगा काउ, क्रीपर, ड्रॉनर्ड, एंडरमैन, एंडरमाइट, और यहाँ पे आपको इवोकर गॉड देखने को मिलेगी, हॉगलिन, हस्क, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक गोलम। और एंड मोर पैड ऑन के लिए आपको देखने को मिल जाएगा पिगलिन, बरूट, पिगलर, प्लेजर, प्लेयर भी देखने को मिलेगा, रेवेंजर, स्केलेटन एंड वैक्स देखने को मिलेगा, विलेजर देखने को मिलेगा, विच देखने को मिलेगा, वेदर, स्केलेटन, वेदर एंड हॉगलिन, जॉगलिन एंड काफ़ी सारे। तो चलो सभी मोर पोके दिखाता हूँ आपको। बाकी इन चीज़ों को कुछ अलग अलग टाइप की कमी भी है, बिकॉज अभी देख सकते हो अभी हम लोग हो चुके हैं काउ। अभी काउ तो बन चुके हैं, लेकिन अगर हम चलते तो देख सकते हो काउ उसकी पैर नहीं हिल रहे। तो मतलब अगर तुम बनते हो मोर बनते हो ना, तो तुमको कोई भी पकड़ सकता है काफ़ी आसानी से अगर तुम लोग चलोगे तो। बाकी क्रीपर भी बन चुके हैं हम लोग काफ़ी आसानी से, एंड रोनर भी चुके हैं। ड्रॉनर में तो हमारे हाथ पैर हिल रहे थे, अच्छी बात है। बाकी इसकी थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसा टेक्सचर डाल के रखा है इन लोगों ने, मतलब जो भी इसका क्रिएटर है उसने अच्छे से इसको बनाया नहीं भाई। बाकी एंटरमाइट काफ़ी मस्त है, बाकी इवोकर भी काफ़ी मस्त है, देख सकते हो इसके हाथ भी हिल रहे यार काफ़ी मस्त है, बट हाथ ऐसे अंदर होते हैं। बाकी गॉड काफ़ी मस्त बनाया है इन लोगों ने। बाकी तुम लोग देखो इसकी काफ़ी सारे अभी मोर में ना टेक्सचर की कमी है, पता नहीं क्यों है, बट आई होप सो इन लोगों अपडेट आगे जाके अपडेट में फिक्स कर दे। बाकी देख सकते हो यहाँ पे हम लोग जॉम्बी विलेजर बन चुके हैं, उसमें कोई कमी नहीं है टेक्सचर में। बाकी पिलेजर में भी कोई कमी नहीं है टेक्सचर में। पिगलिन बरूड बनोगे उसके भी टेक्सचर में कोई कमी नहीं है। बाकी फैंटम बनते हो तो फैंटम में भी कोई कमी नहीं है। और हाँ, अगर तुम लोग कोई उड़ने वाला मूव बनते हो तो उड़ भी सकते हो तुम लोग सर्वाइवल में, ये सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर। बाकी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो बाकी आयरन गोलम, वेदर, स्केलेटन एंड विलेज। विलेजर के तो हाथ ही गायब है, पता नहीं क्या ग्लिच है, बट हो जाते ही वाले ग्लिच काफ़ी कार होती है हाथ वाला ग्लिच, तो काफ़ी सारे एडॉन्स में ऐसा है। बाकी स्केलेटन एंड पिगलिन में भी अच्छा है। बाकी विच का तो तुम लोग देख लिया, हाथी गायब है इसमें भी। एंड जॉम्बी हम लोग बन चुके हैं, जॉम्बी भी ठीक है। बाकी देख सकते हो हॉगलिन एंड जॉगलिन कुछ इस टाइप वाले मूव्स थोड़े से अलग बनाए हुए हैं। एंड विदर का तो पूरा शरीर इन लोगों ने गायब कर दिया, तो पता नहीं इनके टेक्चर का शायद कुछ टेन अलग ही लफड़ा चल रहा है। तो हो सकता है इन लोग आगे जाकर अपडेट में फिक्स कर दे, तो होप सो तो तुम लोग बने रहना अपडेट के लिए। बाकी रेवेंजर भी बिल्कुल ठीक है, देख सकते हो ये बिल्कुल मस्त बनाया हुआ है इन लोगों ने। चलो अभी तुमको बताता हूँ आप लोग किस तरह से उसको सर्वाइवल में क्राफ्ट कर सकते हो, मतलब क्या है इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी, तो वो भी जान लेते हैं। लेकिन भागे जाने से पहले शॉर्ट आउट, तो आज का शॉर्ट जाता है नीरज यादव को, समीर अंसारी को एंड हर्ष गोथल को। तो शॉर्ट आउट टू ऑल ऑफ यू गाइज। और अगर आप लोग भी शॉर्ट आउट पाना चाहते हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दो, जल्दी से अभी जाकर के वीडियो के नीचे जाओ, जल्दी से अभी कमेंट कर दो यार। हाँ, तो अभी तुमको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगी, उस पर जाकर तुम लोग इस फाइल को काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो जाओ वहाँ से डाउनलोड कर लेना फाइल को। एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वर्ल्ड को क्रिएटिव, एंड तुम लोग चाहो सर्वाइवल भी रख सकते हो, क्योंकि तुम लोग को पता है सर्वाइवल में हम लोग ऑब्वियसली इसको क्राफ्ट कर सकते हैं। बाकी आपको जस्ट जाना रिसोर्स पैक में, आपको यहाँ पे देखेगा डीजी मोर पिस को कर देना है। वर्जन 1 ही निकला अभी, तो इसमें हो सकता है काफ़ी सारे आपको टेक्चर वगैरह का ग्लिच है, तो वर्जन 1 निकला है। वर्जन 2 में होप्स सारे ठीक हो जाएंगे एंड और भी नए मोड्स ऐड हो जाएंगे, तो होप्स अभी ठीक है। चलो अभी हम लोग सबसे पहले इसको वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं। बाकी आपका जैसे वर्ल्ड क्रिएट होगा आपके सामने वही वाला वाटर मार्क आ जाएगा ऊपर की ओर, तुम लोग देखने को मिलता है जो। बाकी देख सकते हो यहाँ पे अगर हम लोग सर्वाइवल में इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास उन सर्वाइवल में सारी हेल्थ हो जाती है जितनी मोब की असली की होती है। काफ़ी सारे लोग तो सिर्फ मोब बना के छोड़ देते हैं लेकिन हेल्थ नहीं बढ़ती अपनी, बट इसमें अपनी हेल्थ भी बढ़ जाती है। अगर उस मोब का हेल्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर उस मोब की हेल्थ कम है तो हमारी भी हेल्थ कम हो जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। बाकी धूप में वगैरह में जलते नहीं है, ये अलग चीज़ है। बाकी हम लोग वैक्स बन सकते हैं, और वैक्स बन के हम लोग उड़ भी सकते हैं। वैक्स में दिखाना भूल गया था, बट वैक्स भी है इसके अंदर। बाकी वैक्स बन के हम लोग उड़ भी सकते हैं आसमान के ऊपर। चलो अभी जानते हैं इसकी क्राफ्टिंग रेसिपीज क्या है। तो अभी हम लोग पिलेजर बन के देख लेते हैं क्राफ्टिंग रेसिपी सारी सारी। तो तुमको क्या करना है, क्राफ्टिंग टेबल पर आना है, यहाँ से देखो कुछ इस टाइप से रखना है रेड स्टोन, रोटन फ्लैश एंड एक एमराल्ड। कुछ इस टाइप की सारी रेसिपीज तुम लोग देख सकते हो, काफ़ी ईजी है। और रेड स्टोन का तो कंपलसरी है। बाकी वेदर बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, रेड स्टोन और एक सोल सैंड रख देना है। बाकी वेदर स्केलेटन देख सकते हो,
सकते हो। बाकी वेंटिकेटर को भी देख सकते हो, एक एक्स चाहिए सिर्फ तुमको आयरन की। बाकी विलेजर काफ़ी ज़्यादा इजी है, स्केलेटन भी काफ़ी इजी है, बाकी स्केलेटन देख सकते हो, बाकी विलेजर इजी था। बाकी यहाँ पे देख सकते हो अपना प्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा इजी बना सकते हो, बस तुमको रेड स्टोन कंपलसरी है तो रेड स्टोन लेने ना है। एंड तुम लोग अनलिमिटेड मोर्फ वाले को क्राफ्ट कर सकते हो, जो भी मतलब मोर्फ तुम लोग चाहना चाहो उसको क्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी तुमको मैं दिखा ही देता हूँ सारे के सारे रेसिपी, तो थोड़ी मोड़ी बच रही है तो हस का भी देख लो भाई, एंड क्रीपर, एंडरमैन, आई ऑफ एंडर। एंड एंडरमैन में देख सकते हो एंडर पर लगेगी, इसमें आई ऑफ एंडर लगती है। बाकी ये देख सकते हो सारे के सारे जॉगरिन एंड कॉव वगैरह तुम लोग देख लिया है। तो यस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक करके जाइएगा, चैनल पे ना सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी 25 मोड वाली वीडियो तो ये देखो, ये वाली वीडियो आ रही है, इसको जाकर जल्दी से देख लो। और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर बजा दीजिएगा। और अभी तक अपना इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस।